हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले स्लीव इजेक्शन के बारे में। तो बेसिकली ये जो आप मोल्ड देख पाओगे, ये जो मेरा मोल्ड है, ये थ्री प्लेट मोल्ड है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि थ्री प्लेट मोल्ड की कॉन्सेप्ट कैसा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने थ्री प्लेट मोल्ड के ऊपर वीडियो बना रखा हो। तो अलग अलग टाइप का आप थ्री प्लेट मोल्ड बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर किसी मोल्ड पे आपका गेट ऑफसेट होता है, गेट ऑफसेट मोल्ड, तो आपका जैसे इस मोल्ड है, अगर इस मोल्ड के बात करेंगे, इसकी जो गेट है ऑफसेट गेट है, राइट, ठीक है। हम गेट जो है यहाँ पे दे रखा है, तो ये ऑफसेट गेटिंग है। ऑफसेट गेटिंग में आपको अलग सा स्पेशल लगाना पड़ता है ना, अलग सा आप सपोर्ट स्पेशल लगाते हो। तो उस स्पेशल को नहीं लगा के हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। थर्ड केस में इसमें मैं जो भी स्टैंडर्ड बात करेंगे, जैसे आप अगर यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे हमने स्लीव लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप स्लीव लगा रखे हो, तो ये स्लीव कैसा है, इसकी क्या कैलकुलेशन आती है, थ्योरीज क्या आते हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरी चीज है, यहाँ पे जैसे मैं आपके बात करोगे, यहाँ पे कोई मैंने फिंगर कैम नहीं लगाया, इसको फिंगर कैम की थोड़ा अलग तरीके से मैंने यहाँ पे जो स्लाइडर है उसको चला रखा हो, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी चीज है, यहाँ पे हम हर एक मेटल के बारे में बात करूंगा। अच्छे, मैं ये वाला अगर इसके बात करूँ, तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे, मैंने जो यहाँ पे इसकी जो मेटल ले रखा हो, H13 का ले रखा हो, ठीक है। तो H13 होता है, इसका हार्डनेस कैसा होता है, इच्छा से हम कैसे देखते हैं, कैसे मेजर करते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंसर्ट मोल्डिंग से पूरा वीडियो है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना है, बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगे वीडियो में, क्योंकि ऐसा ऐसा चीजें मैं बताने वाला हूँ किसको आपको नहीं पता होगा यहाँ पे, क्योंकि थ्री प्लेट मोल्ड की कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है। रिसेंटली मैंने 11 मोल्ड का एक कैसे कैलकुलेशन है उसके ऊपर वीडियो बनाया, फिर लोगों ने जो है यूट्यूब में वीडियो डालने लग गया कि 11 मोल्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है। उससे पहले मैंने फ्लिपटॉप कैप की मोल बनाया था, जो अभी मेरा मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 60 मोल हमने मैन्युफैक्चर करके सबमिट कर चुका हूँ, पार्टी को दे चुका हूँ। 60 प्लस मोल हमने बना रखा है। तो अभी जो है आप यूट्यूब में जो है आपको फ्लिपटॉप के ऊपर वीडियो मिलने लग गया है। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जो चीज़ें हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो इसके ऊपर जो है आज का वीडियो होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें आपको मिलेंगे। अगर कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आते, अगर कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रीशियस है, लास्ट तक देखना, कुछ भी चीज़ें मिस मत करना। अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आए, मैं कोशिश करूंगा हर एक चीज़ें मैं समझा दूँ। अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आता है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं आपको जो है इसकी इंसर्ट दिखाता हूँ और कंपोनेंट दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है कंपोनेंट दिखाएंगे। यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेंशन कर रखा हूँ, जो मेरा H13 है, जो मैंने H13 का यूज कर रखा हो, तो मेरा HRC जो है 50 से लेके 52 तक है, ठीक है। तो मेरा हर एक इंसर्ट है, इंसर्ट के ऊपर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रखा हूँ, क्योंकि मेरा जो है मैचिंग करने में मुझे कोई दिक्कत ना आता है, ठीक है। तो मेरा ये है, इधर लगने वाला है, तो यहाँ पे नंबरिंग कर रखा हूँ। जब मेरे को मैचिंग करना होगा, जब असेंबली करना होगा, तब उस टाइम में मेरे को दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा कंपोनेंट दिखा देता हूँ, कंपोनेंट देख के आपको पता लग जाएगा क्या कंपोनेंट है, ठीक है। आप देख पाओगे, पता लग गया इस तरीके से आपका कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट में जैसे आप देख पाओगे, यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे आपका क्या है, अलग सा बॉस है, ठीक है। ये आपका बॉस है, ठीक है, ये बॉस है, यहाँ पे भी बॉस है, ये भी बॉस है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इजेक्टर नहीं मार सकते, इस एरिया में हम इजेक्टर नहीं मार सकते। इसको इजेक्टर इजेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्लीव इजेक्टर लगाना पड़ेगा। स्लीव इजेक्टर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 तो आपको लगाना ही है, यहाँ पे भी लगाना है तो लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, और इसमें आपका जो है ड्राफ्ट देखना है, आपका ड्राफ्ट भी यहाँ पे अच्छा है, ठीक है। हम यहाँ पे इजेक्टर पिन लगा सकते हैं, ठीक है। उस एरिया में नहीं भी लगाओगे तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन इस एरिया में आपको लगाना है, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो है कोर में चिपक के रहेगा, तो यहाँ पे स्लीव इजेक्शन चलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोग अगर आप यहाँ पे ब्लेड चलाओगे, ब्लेड इजेक्शन चलाते हो, तो क्या यहाँ पे इंप्रेशन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है, मेरे को स्लीव इजेक्शन ही चलाना है। स्लीव इजेक्शन चलाने से पहले आपको ये देखना है इसकी बाहर बाहर का डायमीटर कितना है, ठीक है। तो बाहर बाहर का डायमीटर 6 का है, तो 6 का है तो ये अराउंड 6.5 है, मतलब आप देखोगे 3.5 का, मतलब अराउंड 7 का है। यहाँ पे देखूंगा ना मैं, तो कितना आ रहा है मेरा, 3.5 है, तो अराउंड मेरा यहाँ पे 7 का है। तो मैं 6 का या 5 का मैं स्लीव यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्लीव होता कैसा है, बेसिकली स्लीव होता है आपको, मैं आपको एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ होता कैसा है। बेसिकली यहाँ पे मैं गया, जाने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं आपको स्लीव ले आता हूँ, ठीक है। तो ये जो होता है, इस तरीके से मेरा स्लीव बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी दिखा दे रहा हूँ, मैं 5 mm का स्लीव ले आ रहा हूँ, पूरा नहीं लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा
कम लूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे ड्राफ्ट लगता है, फिर श्रिंकेज लगने की बात ना, ये कभी एक्यूरेट नहीं आता है। तो जो अच्छा प्रोडक्ट जनरेट होता है वो श्रिंकेज वैल्यू को ऐड करते हुए, उसमें ऐड करते हुए यहाँ पे ड्राफ्ट डालते हैं, मतलब कुछ कुछ एरिया में ऊपर से डालते हैं, कुछ कुछ एरिया में नीचे से डालते हैं। अगर ऊपर से डालोगे तो इसका जो है ये सेंस हो जाएगा, ठीक है ना, ये सेंस हो जाएगा। तो कभी कभी श्रिंकेज ऐड करने की वजह से ये पॉइंटों में आता है, राइट। तो उस केस में मैं जो स्लीप लूंगा, ये मैं देखो स्लीप तो पॉइंटों में नहीं आता है, या 5 का आएगा, 6 का आएगा, अब स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, अगर जैसे मैं क्लास लेता हूँ, क्लासेस वगैरह में सारा चीजें मैं स्टैंडर्ड से सिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे इजेक्टर स्लीप की बात करता हूँ। इजेक्टर स्लीप बात करता हूँ, कोई भी एक ले लो, मैं स्ट्रेट इजेक्टर स्लीप ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं आता हूँ, तो स्लीप एक्चुअल में होता कैसा है, देखो ये आपका ऐसे स्लीप बनता है, 4 का है, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 का है, 4.5 है, 5 है, 6.5 है, 6 है, 7 है, 7.5 है, ऐसे आपका स्लीप आता है। और जो ये स्लीप होता है, आपको एक में सिंपला एक कैलकुलेशन बता देता हूँ, एक सिंपली कैलकुलेशन होता है। जैसे आपका इसका डाई अगर 5 का है ना, ये आपका 8 का बनेगा, ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में लग के, मतलब इसको जैसे आप कितना ऑफसेट करना है, 1.5 ऑफसेट कर देना, तो ये मेरा स्लीप कहाँ तक रहेगा, ये इधर तक रहेगा। अब इसके अंदर जो आपकी एरिया रहेगा ना, ये आपका पिन रहेगा, स्लीप के अंदर पिन रहेगा। वो कैसे होता है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका जो मेरा पिन रहेगा, ठीक है, इसको मैं ले आता हूँ पहले जो है, उसके बाद जो है मैं इसको ले आऊंगा, ठीक। मेरा पिन जो है, मुझे पिन लाना है, पिन देखते हैं कहाँ पे है, ठीक है। ये मेरा इंसर्ट आ गया, अब दिखा देता हूँ इंसर्ट में क्या। देखो इंसर्ट में मैं यहाँ पे क्लियरेंस रखूंगा, क्योंकि टाइट फिट तो कभी होता नहीं है। ये जो चलेगा ना स्लीप, इसमें ऊपर से 20 mm तक मैं रखूंगा। ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला है, जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, इस चीज का मैं पैसा लेता हूँ, सिखाने में तो कोई भी सिखा सकता है। जो मैं आपसे सीखने का पैसा लेता हूँ ना, ये सारा चीजें जो है, इसके तो पैसा लेता हूँ मैं, बनाने का कोई पैसा नहीं लेता मैं, सिखाने का जो पैसा लेता हूँ ना, ये सब चीजें सिखाने का पैसा ले रहा हूँ। अब देखोगे ना, इधर से देखो, यहाँ पे मैं क्लियरेंस ले रखा हूँ, ये मेरा जो है क्लियरेंस है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा स्लीव चलेगा ना, तो यहाँ से लगभग 20 mm जो है, 20 mm जो है ना, ये टाइट फिट रहेगा, टाइट फिट रहता है। टाइट फिट मतलब उसमें भी टॉलरेंस होता है, 20 μm का टॉलरेंस होता है। और यहाँ से मैं 0.5 का ऑफसेट कर देता हूँ कि स्लीव जो है आराम से चले। तो ये होता है इसकी स्टैंडर्ड स्लीव जो है आराम से चले। इसमें मैं जो है 20 mm का ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं इसको ले आता हूँ। अब देखो ये जो मेरा स्लीव है, इसमें ड्राफ्ट रहेगा, तो इस एरिया में हम मशीनिंग कर देते हैं, इस पार्टिकुलर एरिया में मशीनिंग कर देते हैं। और ये कहाँ तक रहेगा, ये इजेक्टर प्लेट से रहेगा, जो स्लीव रहेगा इजेक्टर प्लेट तक रहेगा। और जो पिन रहेगा ना, पिन जो होता है ये बॉटम प्लेट तक रहता है, ठीक है, ये बॉटम प्लेट में रहता है। वही बॉटम प्लेट के रह के यहाँ पे होल्ड करके ग्रैप स्क्रू डाल देते हैं। ग्रैप स्क्रू होता है, ग्रैप स्क्रू होता है, स्क्रू होता है जिसमें थ्रेड होता है, तो इसमें ग्रैप स्क्रू डाल के इसको लॉक कर देते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अलग से ये इंसर्ट डाल के ऐसे बोल्टिंग कर देते हैं, अलग से इंसर्ट डाल के इस तरीके से बोल्टिंग कर देते हैं। तो इससे भी आप काम कर सकते हो, उससे भी काम कर सकते हो। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कभी भी आपके पास कुछ ऐसा भी, अगर आपकी स्लीव इजेक्शन है, आप बना सकते हो। स्टैंडर्ड भी बता दिया कैसा होती है। अगर आपका ये स्लीव जो है 5 का यूज करते हो, तो ये जो ऑफसेट है इसको आपको कितने का यूज करना है, मैं सेक्शन को हटा देता हूँ। ये आपको कितने का यूज करना है, 8 का यूज करना है। इसका डाई 8 होगा तो इसका डाई 5 होगा, ठीक है। इसके हिसाब से ये होता है। और जो ये आता है, इसका भी आपको आता है। जैसे अगर आप अंडर का होल कितना है, अंडर का होल अगर मान लो आपका, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ये यूज कर रहा हूँ, इसको मैं जी डाल के कितना डाल रहा हूँ, 1.3 का यूज कर रहा हूँ। तो ऊपर जो है ये वाला एरिया में मशीनिंग कर दूंगा, ये वाला एरिया में आपका मशीनिंग हो जाएगा। अगर ये 3 का है तो ये कितना का हो जाएगा, 1.5 ऑफसेट हो जाएगा। तो 1.5 ऑफसेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 का बन जाएगा। इसी तरीके से आपको बनाना है। नीचे इंसर्ट लगा के वोल्टिंग से भी आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे वोल्टिंग से भी मैंने कराया, या आप ग्रैप स्क्रू से भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। कुछ चीजें फिर भी पूछना है तो पूछ सकते हो। इसी तरीके से सारा स्टैंडर्ड में सीखना है ना, इसमें बहुत कुछ चीजें आती है। अब तो आपको मैं सिंपल स्लीप बताया हूँ, इसमें प्रिसीजन स्लीप आता है, स्टेप स्लीप आती है। अगर वो चीजें भी सीखना है ना, तो आप जो मेरा नंबर मेंशन थे वहां पे जाके इंक्वायरी कर सकते हो। अलग अलग तरीके से क्लासेस वगैरह में देते रहता हूँ। बेसिकली हम 4-5 टाइप का स्लीव यूज करते हो। एक आपका प्रिसीजन हो गया, एक स्टेप हो गया, तो बहुत कुछ तरीका है इसको निकालने के लिए। कहाँ पे स्टेप यूज करोगे, ठीक है, किस जगह में लगाना पड़ेगा। अब इसमें मैंने आपको टॉलरेंस भी बता दिया, कैसे टॉलरेंस यूज करना है। कहाँ पे रिलीफ डालना पड़ता है, जैसे मैंने स्टेप दिखाया वहाँ पे आपको रिलीफ डालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं दूसरी वाली केस में। जैसे मैंने बताया था इसमें ऑफसेट गेटिंग है। देखो कोई भी मोल बनाते हो, तो इसका जो ये आपका रजिस्टर रिंग है, या लोकेटिंग रिंग जिसको भी बोलते हो, ये सेंटर पे होता है मोल का, ठीक है, आपको पता है।
तो अगर सेंटर में होता है तो क्या होता है, इसकी जो नोजल होता है ना, जैसे लगता है ना ऐसे, इस तरीके से क्लैंप होता है ना, तो ये किस तरीके से होगा आपका, इस तरीके से होगी, सेंटर पे होना चाहिए। अगर ये ऑफसेट है तो मोल का भी क्लैंपिंग होगा ना, वो ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा, मोल का सेंटर पे नहीं होगा। तो उस केस में आपको यहाँ पे दो अलग अलग टाइप का स्पेसर देना पड़ेगा साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे दो अलग अलग टाइप का स्पेसर डालोगे उसको सेंटर करने के लिए। अब मेरा मोल का जो मेरा गेट है, मेरा लोकेशन जो है, देखो मेरा जो लोकेशन है कंपोनेंट की, वो यहाँ पे मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा इंसर्ट है, तो मैं सेंटर पे इसकी गेट नहीं दे सकता हूँ। हिप प्लेट मोल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं टू प्लेट मोल बनाऊंगा साइड से गेट दूंगा, यहाँ पे होल्स वगैरह है, यहाँ पे बहुत सारा होल्स है, तो होल्स वगैरह होगा तो क्या आएगा, वेल लाइन आएगा। ऑलरेडी एक केस है मेरे पास, किसी यूट्यूबर ने किसी से मोल बनवाया था, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो मेरे पास आया, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ उसकी पहले। तो कहीं से ना इसने एक मोल बना लिया था एक पार्टी का, तो सस्ते में मिला उसको, उसने बना लिया। अब जो मोल बना दिया उसने गेट वगैरह सही ढंग से करा नहीं है, तो आप देखो कंपोनेंट में क्या दिक्कत आ रही है। तो उसने मेरे को बोला है, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, देखो कितना भयानक सा वेल लाइन देख रहे हो यहाँ पे, देखो चमक रहा है हर एक चीजें, तो आप देखो ना किस तरीके से उसने मतलब उसको बेवकूफ बनाया, ठीक है। तो ये फिर मेरे पास आया कि इसको सब ठीक करके दे दो। तो ये जो प्रॉब्लम होता है ना, ये सबसे सीधे प्रॉब्लम होती है ना, ये आपका गेट से होता है, ये आपका गेट लोकेशन सही होना चाहिए, रनर लोकेशन सही होना चाहिए। जब भी डिजाइन करते हो ना, सब तरीके से सही बनाना पड़ेगा, तरीके सही नहीं होगा तो ये हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगा आपको। तो मैं इसी बात का तो आपसे पैसा ले रहा हूँ, जो चीजें सिखा रहा हूँ मैं सही ढंग से तो आपको करा रहा हूँ। आपको मैं अगर पिन पॉइंट गेट सिखा रहा हूँ, किस जगह पे गेट देना है, कहाँ पे देना पड़ेगा, उस देने से क्या प्रॉब्लम होगा, तो इस तरीके से आपको सिखाता हूँ। कुछ चीजें जो सिखा रहा हूँ ना, सारा कैलकुलेशन का पैसा लेता हूँ, बनाने का तो पैसा नहीं लेता, ठीक है। तो वो चीजें हो गया आपको, जिसको भी उसी तरीके से उसी लेवल पे क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन दे, वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक बात होता है ना, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, तो वही वाली बात है। कुछ चीजें अगर मिल रहा है ना, तो कहीं पे आपको क्वालिटी मिल रहा है, तो उसकी थोड़ा सा रेट भी आपको ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो मेरा क्या है, कूलिंग के लिए जो है ट्यूब है, ठीक है, कूलिंग लीकेज ना हो इसके लिए आता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तरीके से मैंने स्लाइडर लगा रखा हो, तो आपने समझ गया है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, मेरा जो यहाँ पे रनर है, तो इसमें मैं एक बार दोनों को आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो इस तरीके से मैंने इसको करा, यहाँ पे सीधा मैंने नहीं दिया, तो यहाँ पे इसके साथ मैंने क्या करा है, ये मेरा जो है कैचर पिन है, ठीक है, ये मेरा कैचर पिन है। एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा ना, तो आप जो है इसको समझ पाओगे, तो बहुत जरूरी है इसको समझना, जो है बहुत जरूरी है आपके लिए। आप देखोगे, देखो तो इस तरीके से जो है यहाँ पे दिया है मैंने सीधा, जो है ना यहाँ पे कहीं पे गेट नहीं दूंगा भाई, यहाँ पे गेट दूंगा ये फीलिंग ही नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है। ये सारा चीजें आपको समझना पड़ेगा जब भी डिजाइन करते हो, कहीं पे भी कुछ चीजें नहीं होता है, कहीं पे भी कुछ चीजें दोगे ना काम नहीं होगा। तो ये होता है आपका ऑफसेट गेटिंग का तरीका, नहीं पता होगा बहुत लोग को ये जो तरीका मैं बता दे रहा हूँ, इस तरीके से हम मोल बनाते हैं। कहीं से आपको अगर कुछ मोल पे थोड़ा सा महंगा रेट पड़ रहा है ना, तो इस तरीके से मैंने आपको सेविंग भी कर रहा हो। अगर आपको अलग से वहाँ पे दो अलग अलग से अगर आप पिलर देने जाओगे ना, सपोर्ट पिलर भी देने जाओगे ना, लगभग आपको कितना खर्चा हो जाएगा, 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएंगे। यहाँ से अगर मैं आपसे 2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ना, तो मैं आपका तो मैं 10 से 12 हज़ार रुपये सेविंग कर रहा हूँ ना, तो मैं कहीं से कुछ चीज़ें ज़्यादा ले रहा हूँ ना, तो कहीं से मैं आपको 15 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट भी करवा रहा हूँ। तो वो चीज़ का हम पैसे लेते हैं, कोई डिजाइन बनाते ना, तो वो चीज़ें होती है। तो ये तो बहुत सिंपल कंपोनेंट है, बहुत कुछ चीज़ें होती है जो मैं नहीं दिखा सकता यूट्यूब में, बहुत कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है। क्लासेस में बहुत लोग को पता है कैसे कैसे मैं टूल वगैरह कराते रहता हूँ, कैसे कैसे टूल वगैरह दिखाते रहता हूँ। कोई मेरा नया नया प्रोजेक्ट चलाते हैं तो उसको मैं दिखाता हूँ, ये मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है, ऐसे ऐसे मैं इसको करूँगा, ठीक है। तो आपको ये जो है ऑफसेट गेटिंग का फंडा भी आपको समझ में आ गया। अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, जो भी चीज़ें पूछना है, ठीक है, ये मोल लॉक के लिए बताइए आपको। उसके बाद आते हैं हम मेटल के ऊपर, ठीक है। जो मेरा ये जो आप देख पा रहे हो एज 13 का है, और बाकी जो है मैं एमएस का बना रहा हूँ, एमएस का बनाऊंगा। और जो मेरा है ये जो आप दे रहे हो EN31 का है, इसको हार्ड करवाऊंगा, ये मेरा प्रेशर प्लेट है बेसिकली, तो इसको मैं हार्ड करवाऊंगा। और जो रही बात स्लाइडर का, ठीक है, स्लाइडर का कैलकुलेशन के ऊपर अलग से वीडियो दे रखा हूँ, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्या फॉर्मूला है, सारा दे रखा हूँ, वहाँ पे जाके एक बार देख लो। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे जो है मैं एक जो है मैं इंसर्ट भी बोल सकते हो, साप भी बोल सकते हो, उसको जो है मैं इस तरीके से करके इसको मैं गाइड करने के लिए बूझ दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो प्लेट है इसको मैं हटा देता हूँ। हटाने के बाद जितना भी एंगल होगा मैं यहाँ पे हल्का से मशीनिंग करके, या ये वाला एरिया को मशीनिंग करके मैं सीधा स्लाइडर चला रखा हूँ। यहाँ पे अलग से मैं स्प्रिंग सपोर्ट भी दे रखा हूँ,
तो ये था पूरी मोल की कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ चीजें आपको समझने आया, मतलब समझ में आ गया होंगे, बहुत कुछ चीजें आप दिमाग में बहुत कुछ चीजें लेके बनाते हो, तो सारा चीजें इसमें समझ के बनाना है। कहाँ पे कितना बोल्टिंग करना है, लिफ्टिंग होल है कहाँ पे, कितना लिफ्टिंग होल चाहिए, जो बेसिकली ये मोल है, यहाँ पे हम क्लैंपिंग करते हैं तो यहाँ पे लिफ्टिंग बनाना पड़ता है। मिनिमम जो है M12 का जो है ये दोनों होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मोल्ड है, लगभग 150 टन की मोल्ड है या 120 टन का मोल्ड है आपके, 20 M20 का तो M20 का तो लिफ्टिंग होल तो होना ही चाहिए ना। तो ये है, बाकी थ्री प्लेट मोल्ड ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। थ्री प्लेट मोल्ड का मैं आपको इजी वे से जो है दे रखा हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, अगर थ्री प्लेट मोल्ड के बारे में सीखना है तो वहाँ पे देख सकता हूँ, क्योंकि बहुत कम वीडियो है यूट्यूब में थ्री प्लेट मोल्ड के ऊपर, है ना। पहला मैंने ही कराया, सभी चीजें है, इसको भी जो चीजें पूछना है पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, जो भी किसी को भी क्लास ज्वाइन करना है नंबर मेंशन है वहां पे जाके आप क्लास वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरीके से मैं एडवांस मॉडल वगैरह सिखाते रहता हूँ, अगर आपको एडवांस मॉडल सीखना है उसमें भी मेरा 3 कोर्स है, और जो मेरा मोल्ड डिजाइन है बहुत ब्रीफ में कराता हूँ, एक एक कोर्स का दो दो ढाई ढाई महीना होता है, 3 कोर्स है मोल्ड डिजाइन के। अगर आप सॉलिडक्स में करना चाहते हो तो सॉलिडक्स में भी मेरा मोल्ड डिजाइन है, अगर आपको NX करना चाहते हो NX में भी 3 कोर्स है, अगर आप केटे भी करना है केटे में भी मोल्ड डिजाइन कराता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली सारा सॉफ्टवेयर 1200 में मैं काम करता हूँ, तो 1200 में मेरे पास जो है बना रखा हो, ठीक है। तो 3 कोर्स में आपको मोल्ड डिजाइन का मिल जाएंगे, अगर आपको मोल्ड फ्लो एनालिसिस सीखना है वो भी आपको मिल जाएंगे, मोल्ड विजार्ड भी सीखना है अगर इससे भी आपको सीखना है वो भी आपको मिल जाएंगे, तो सारा चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इससे भी कुछ चीजें भी पूछना होगा तो आप नंबर मेंशन थे वहां पे जाके पूछ सकते हो, क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, अलग अलग तरीके से ऑफर वगैरह चलते रहता है। तो बेसिकली मेरा जो मेन काम होती है प्रोजेक्ट के ऊपर ही होती है, ट्रेनिंग तो थोड़ा मेरा पार्ट टाइम का काम होता है, तो प्रोजेक्ट लेवल पे सीखना है प्रैक्टिकली सीखना है तो नंबर मेंशन थे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, किसी को कुछ चीज़ें पूछना है तो पूछ सकते हो, फ्री है वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्लास वगैरह के लिए नंबर मेंशन थे, व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके से ऑफर वगैरह चलते रहते हैं उसके बारे में आप बात कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।